हाय गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। अभी तो आज आपको बताऊंगा मैट्रिक्स। तो ठीक है, तो मैट्रिक्स में कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कई महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। वो क्या है, क्या क्या है उसमें, जो पावर होती है मैट्रिक्स की, वो मैट्रिक्स होते हैं ये 3x3 की, उसका गुणा करना सिंपली तरीके से, उसका मान निकालना, ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, सबका 2 का 3 का, मैं सबका अलग अलग तरीके से ट्रिक के साथ बताऊंगा। जो पूरा लेसन है इसका क्रैश कोर्स हो जाएगा, कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो इससे बाहर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नेवी एयरफोर्स या एनडीए में इससे हर एक नंबर पक्का करना है तो ये वीडियो पूरा देख लास्ट तक, तो इससे जो मैं बताऊँगा आपको इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। ठीक, पहला है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। कई चीज़ आप कैसे हैं जो पढ़ी हुई हो, आप वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, आपको कई चीज़ लग सकती है पढ़ी हुई। जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी हो जीरो। ठीक है, पंक्तियाँ हुई है ये पता होता है आपको, वह ये जो केवल एक पंक्ति रखता हो। ठीक, स्तंभ आयु है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। ठीक, वर्ग आयु है जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या क्या हो जाए बराबर, वो क्या हो जाता है वर्ग आयु। अब तो विकर्ण आयु है, डायगोनल बोलते हैं इसको मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, वह वर्ग आयु है, वह वर्ग मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, वह वर्ग आयु है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अब है अदिश आयु है, अदिश आयु है ये मतलब होता है स्कलर मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है एक विकर्ण आयु, मतलब जिसके जो विकर्ण है उसके अलावा सभी जीरो होंगे। विकर्ण आयु जिसके विकर्ण के एलिमेंट्स समान हो, अदिश आयु है जिसका विकर्ण के एलिमेंट्स कैसे हों, समान हो। ठीक, ये थी इनकी डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब इम्पोर्टेंट है इकाई आयु, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आयु बोलते हैं तत्व आयु, जिसके क्या होते हैं सभी विकर्ण क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं एक होते हैं। जैसे विकर्ण आयु है ये ऊपर दे रखा है, ये विकर्ण आयु है, इसके विकर्ण के अनुदिश है, जिसके सभी क्या है एक 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 है ऊपर। ठीक, एक एक एक, तो क्या होता है इकाई आयु है। अब ऊपरी त्रिभुजीय आयु है, मतलब एक विकर्ण लेंगे, ये विकर्ण हो गया मैट्रिक्स का। ठीक, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, इसके ऊपर ऐसे त्रिभुज बना देंगे, ऊपरी त्रिभुज हो गए, तो ऊपरी त्रिभुजीय आयु हो गए, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, जीरो जीरो। अब बात करते हैं ये निम्न त्रिभुजीय आयु, जो नीचे त्रिभुज बन रहा है अंकों का, लेकिन जो ऊपर बच रहे हैं वो क्या है, जीरो जीरो। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऊपरी और निम्न त्रिभुजीय आयु। आपकी डेफिनेशन पर डिवी मानता हूँ, लेकिन जो आगे किए हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक, उनको आपको ध्यान देना। अब आता है आयुओं का गुणा। ठीक है, तो क्या होता है ए आई जे, अपन इस फॉर्म में लिखते हैं किसी भी आयु को, तो ए आई जे एम इंटू एन। एम पहले होता है पंक्ति और एन होता है स्तंभ। कैसे याद करें, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति में पै आ रहा है मतलब पहले पंक्ति आती है। ठीक, ऐसे याद आ जाएगा बी बी आई जे एन गुणा पी। ठीक, दो फॉर्म बता रखा है गुणा करना अपन को, जैसे एक आयु है ए है और दूसरा क्या है बी। ठीक, अब इनको गुणा करना है, यदि पहले का स्तंभ की संख्या और दूसरे की पंक्ति की संख्या बराबर हो तो ही ए क्रॉस बी होगा। जैसे इसके पंक्ति क्या है एम और स्तंभ क्या है एन। ठीक, इसकी पंक्ति है एन और स्तंभ क्या है पी। तो ये दो आयु हैं जो आपस में कब गुणा होंगे, ये आयु तब भी आपस में गुणा होंगे जब पहले का स्तंभ की संख्या और दूसरे के पंक्ति की संख्या बराबर हो, तभी ये आपस में गुणा होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे कि अपन कंफ्यूज रहेंगे पहले की पंक्ति बराबर हो या दूसरे के स्तंभ, इसलिए ट्रिक क्या है, स्तंभ को बोलेंगे कॉलम और पंक्ति को बोलेंगे लाइन। तो कॉलम मतलब कल हो गया। ठीक, कल एक सिंपल वर्ड हो गया, तो कल पहले की कॉलम की संख्या दूसरे की लाइन की संख्या बराबर हो तभी ये ए क्रॉस बी होगा। ठीक, ऐसे याद करेंगे। अब जो ए क्रॉस बी है उसकी कोटि क्या होगी, मतलब किस प्रकार बनेगा, तो इसके लिए क्या करना, ऊपर चलते हैं और इसमें क्या दे रखा है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले की पंक्ति और दूसरे का जो बच गया, जो मतलब पहले का कॉलम अनिवार्य था इसमें, तो ये बन जाएगा विकर्ण। ठीक, एम पी मतलब जो अब बनेगा ना ए क्रॉस बी, उसकी कोटि ये होगी एम क्रॉस बी। ठीक, नीचे जाओ एम क्रॉस पी है यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे। यह यदि ए है बी है, जैसे इन पर क्वेश्चन है, तो ये दे रखा है इधर पहले की कॉलम है 2। ठीक, और दूसरे की पंक्ति कितनी है 2, पंक्ति पहले आती है
ट्रिक बता रखा, पै पंक्ति पहले। अब यानी एक रोज भी तो बनेगा, पहले की प्रॉब्लम और दूसरी पंक्ति आ गई, ठीक है। अब वो क्या होगा, फॉरम कैसे होगी, तीन क्रॉस तीन होगी, कैसे पता करें। इसके लिए जो बच गया, जो इसको तीन क्रॉस दो ऊपर रखेंगे, दो क्रॉस तीन नीचे, विक्रम बनाएंगे, तीन क्रॉस तीन, ठीक, ऐसे हो गया। अब करते हैं, तो अगर आप गुणा भूल गए हो तो मैंने इसके अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख लें, ठीक। वैसे इसमें भी बताऊँ गुणा कैसे करें, मल्टीप्लाई सॉर्ट कर तरीका। आपको क्या करना है, सबसे पहले पंक्ति लेना है, ठीक, पंक्ति लेना है। जैसे ये है दो क्रॉस दो और तीन है, ये है दो, ठीक। इस दो को पहली पंक्ति को ख़त्म करना है, इस पंक्ति को, ठीक। पहले दो सौ दो से गुणा करेंगे, ठीक, दो को दो से कर दिया, ठीक, दो गुणा दो। फिर ये अगला नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये तीन है, ये तीन पहली पंक्ति लेकर चल रहे हैं, ये पंक्ति ऐसे, इसमें ये तीन, इस तीन से गुणा होगा, तीन गुणा तीन, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दो गुणा, अब ये पंक्ति लेकर चलना है, पहले पंक्ति को ख़त्म करना है, ये इसको ख़त्म करना है सबके साथ, दो, फिर दो का चार से, दो गुणा चार, फिर इस दो का वो सॉरी इस तीन का इस दो से, फिर तीन गुणा दो प्लस होता जाएगा, ठीक, कॉलम चेंज होते ही। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, दो तीन है, छः एक से कराएंगे अब, ठीक। पहले का पंक्ति और दूसरे का कॉलम लेकर चलना है, इसकी भी वही ट्रिक हो जाएगी, उसे देखे तो पहले का पंक्ति दूसरे कॉलम पे, पहली पंक्ति दूसरे का कॉलम, ठीक। तो इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, दो तीन लेना है, पहले पंक्ति और दूसरे का कॉलम थोड़ा दो, दो का छः से करा दिया, ठीक, और प्लस तीन गुणा एक। अब आप क्या करोगे, आप इसमें कन्फ्यूज होगी, किसी पंक्ति में लिखे हैं कॉलम में जो आंसर आ रहे हैं नहीं, ये तो इसमें मैं कंफ्यूज नहीं है रहा, इसमें वो ट्रिक लग जाएगी, पंक्ति पहले आएगी तो मतलब पहले पंक्ति को पूरा करना है, ठीक, ऐसे इसमें पंक्ति चल रही है तो इसमें पंक्ति से चलेंगे, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। इस प्रकार करते जाएंगे, अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे दूसरी पंक्ति में, क्या है, एक एक और दो है, ठीक, तो एक दो पहले क्या करेंगे, इससे करेंगे, एक और दो है, इस एक और दो को दो तीन से करेंगे, एक इंटू दो प्लस फिर दो इंटू तीन, ठीक, ऐसे। फिर ये एक गुणा चार, एक और दो है, एक से ये चार हो जाएगा, ये दो से ये दो, और इसी प्रकार ये नेक्स्ट होते जाएगा, ये दो है, एक और दो है, ये एक छः से दो एक से, ठीक, इसी प्रकार हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे। इसके अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आपको बिल्कुल समझना है तो आज देख ले, ए भी आ जाएगा, ठीक, ऐसे से। अगर आप गुना भूल गए हो तो नई वीडियो बना रखी है इसके लिए, ठीक। अब है इस पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या होते हैं, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, सिंपली, ठीक। अब है इसमें ये, ठीक, ये होगा ए बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी, क्रम विनिमयता का नियम पालन नहीं होता, ठीक, और ये नियम पालन होता है। अब बात करते हैं ये, इसका ए के बता रखा है, ए इंटू आई बराबर होगा आई इंटू ए बराबर होता है ए, ठीक है, बहुत से क्वेश्चनों में काम आता है, ठीक। आई क्या होता है आपको पता है, इकाई आव्यय होता है, ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आता है परिवर्त आव्यय, परिवर्त मतलब चेंजिंग, जो कॉलम होता है उनको लाइन में और लाइन को कॉलम में, ठीक, सिंपली इसको ए टी से भी निरूपित करते हैं, ए डैश से या ए स्मॉल टी से, ठीक। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, ठीक। अब है ए डैश का डैश ए के बराबर हो जाएगा, ठीक, ये सिंपली आपको पता हो जाएगा, स्तंभ को वापस कॉलम, कॉलम को वापस स्तंभ। अब बात करते हैं इसकी, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, उनको दोनों जोड़ेंगे घटाएंगे फिर उनका परिवर्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का परिवर्तन कर दो फिर बी का कर दो, ठीक, ऐसे हो जाएंगे। अब के ए, के इंटू के का कॉन्स्टेंट राशि है, जैसे चार पाँच ऐसी नहीं होती, और ए है मैट्रिक्स है, तो के ए के बाहर आ जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। अब है ए बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए और बी, ए इंटू बी करके इसका उल्टा जाएगा, बी का परिवर्त करेंगे इंटू ए का, ठीक, ऐसे। अब है ए बी सी, इसमें भी उल्टा जाएगा, सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक, इनको याद कर लेना। अब बात करते हैं सममित एवं विषम सममित आवेय की, सममित आवेय तो क्या होता है, जिसका ए मैट्रिक्स होता है उसका परिवर्त करें, ए टी आएगा, ठीक। अगर वो ए टी पहले के ए के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं सममित आवेय, अगर वो ए टी चेंज करते हैं ए टी आता है, और वो माइनस नेगेटिव ए के बराबर होता है तो विषम सममित आवेय होता है, ठीक। अब आता है
जैसे ए को अपन ये लिख सकते हैं, ठीक, जैसे ये आएगा, ये कट जाएगा, ए बाई टू आ जाएगा ए, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या है यहाँ पर, ये देखो कि जो ये फॉर्म बनता है ना, ए को ये लिख देते हैं, जिसमें से ये होता है ना, ये पार्ट होता है सममित आव्यय, और जो ये पार्ट होता है ना, ये होता है भी सममित आव्यय, ये ऑलवेज होता है, हमेशा ये होता है। ए को ये फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और जो ये पहले वाला पार्ट होता है वो सममित, और दूसरे वाला क्या होता है विषम सममित, ठीक। अब बात करते हैं यदि, अभी इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं इस सममित और विषम सममित आव्यय पर, उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, यदि ए सममित आव्यय है, अगर ए है जो सममित आव्यय है, तो ए एन भी कैसा होगा, सममित होगा, ठीक। ए एन मतलब एक हो, दो हो, पावर में छः, चार, पाँच, कैसे भी हो, ए सममित है तो ए एन भी सममित होगा, और ए की घात 2n+1 भी सममित होगा, ठीक, अगर ए सममित है तो। ए की घात 2n+1, ठीक, जैसे एन बराबर एक रख दो तो क्या हो जाएगा, दो तीन आ गया, है ना, तो तीन का मतलब ये होता है कि ए की घात 3, ठीक, इसलिए ए की घात 2n भी। और अब दूसरा बोलो, यदि ए भी सम सममित आव्यय है, तो ए की घात 2n, ठीक, ए की घात 2n तो क्या होगा, ए की घात 2n, ए की घात 2n तो हो जाएगा सममित, लेकिन ए की घात 2n+1 विषम सममित होगा, इसमें याद रखना है। इसमें तो सममित अगर ए है तो कोई भी कंडीशन लगा लो, ए सममित ही होगा, ए की घात n कुछ भी रख लो, लेकिन ए भी सममित हो, ए की घात 2n तो क्या होगा सममित, और ए की घात 2n+1 विषम सममित होगा। विषम सममित, सममित मतलब समझ गए, ए की घात t, अगर ए के बराबर तो सममित, माइनस ए के बराबर है तो विषम सममित। अब बात करते हैं लाम्बिक आव्यय की। तो लाम्बिक आव्यय क्या होता है, वह आव्यय जिसके लिए ए इंटू ए डैश मतलब ए और ए डैश परिवर्तित आव्यय और ए दोनों आव्यय का मल्टीपल अगर आई के बराबर हो जाए, ठीक, किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर, तो वह होता है लाम्बिक आव्यय के, ठीक, वो बराबर होता है लाम्बिक आव्यय होता है, उसे लाम्बिक आव्यय कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सेकंडज आव्यय। सेकंडज आव्यय आपको निकालना भी आता होगा, लेकिन आपको मैं दोनों में 2/2 और 3/3 दोनों में कौन सा एक सिंपल तरीका बताऊँ। वैसे पर तो अपन नॉर्मली इससे निकालते हैं, ठीक, इससे। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे भी इसको वीडियो को देख लेते हैं कई कई बार। तो ये एफ आई जे को ये निकालने का तरीका होता है, एफ आई जे बराबर -1 की घात आई प्लस जे, और एम मोड, जैसे ये होता है ना थ्री, थ्री का होता है, तो ये रख लेते हैं, इनका मोड होता है एम, ठीक है, मान निकालते हैं ऐसे। तो ये तरीका होता है, एफ आई जे निकालते हैं, एफ आई जे का परिवर्तित करते हैं तो एडजॉइंट ए आता है, और ए आई जे का मान इस प्रकार होता है, a11 i1 होता है j1, ऐसे ही तरीका। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ इसको कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया बोर्ड का तरीका, अपन निकालते हैं जो सिंपली, ठीक। अब करते हैं, जैसे दो का है, अगर 2/2 का है, जैसे 2/2 का है, तो इसका क्या करना है, तो ए इसका एडजेक्टिव निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको ए बी सी डी वाली फॉर्म है, तो इसको कर देता है चेंज, इसको कर देना चेंज, मतलब ए और यहाँ डी है, तो इधर ला देना है डी और यहाँ आ जाएगा ए, ठीक। और हवा दूसरा, ठीक, दूसरी कॉलम है, उसमें क्या करना है, ये जो बी है और ये नीचे सी है, ठीक, इनका कर देना है साइन चेंज, ये बी और सी, मतलब यहाँ हो जाएगा -B -C और ऊपर हो गया चेंज DA, ठीक, ये आ रहा है इधर, ठीक, ऐसे एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट से ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब मैं इनवर्स भी आगे बताऊंगा। अब है तीन वाले का कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये होता है ये ए मैट्रिक्स है कोई, ठीक, इसकी बता रहा हूँ मैं सिंपल तरीका कैसे निकालिए एडजॉइंट, वैसे निकालते हैं एफ आई जे लगाकर, बहुत बड़ा तरीका बन जाता है, मानो मैं इसमें शॉर्टकट तरीका बताऊँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है, जैसे ये है 1 2 1 3 1 1 4 1 2, ठीक, ये है। अभी इसको नीचे लिख देना है, रिपीट कर देना है, कौन सी पंक्ति को, 1 2 1 है, ठीक, इसमें से जो है पहले वाली जो दो कॉलम है ना, उनको रिपीट कर देना है, जैसे रिपीट कर दिया ना, 1 2 1 है, वो सॉरी 1 3 4 2 1 1 है, इसको इधर रिपीट कर दिया, देख लो 1 3 4 रिपीट कर दिया, 2 1 1, पहले ये काम करना है आपको, ठीक, इतना सा। फिर क्या करना है, इन दो को रिपीट कर देना है, ठीक, फिर नीचे लिख दिया 1 2 1 1 2, ठीक, ये ऊपर वाला 1 2 1 1 2 रिपीट कर दिया, फिर नीचे अगला 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 कर दिया रिपीट, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ मैं क्या करना है आपको, सबसे पहले
ये और ये रिपीट कर देना इधर यहाँ यहाँ। ठीक, सबसे पहले कर दिया, इतना काम कर दिया, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इसको और इसको रिपीट कर देना यहाँ, ये और ये रिपीट कर दिया। अब स्टार्ट करना है अपन को क्वेश्चन, तो अपन को क्या करना है, इसको अब ये होते हैं इनको काट देने। ठीक, काट दिया। अब क्या करना है, अब इनको दो दो का लेकर चलना है, इसको ले लिया, अभी क्या होगा, दो माइनस एक, इनका मान निकालते जाना है मैट्रिक्स की तरह। तो दो माइनस एक एक आ गया। ठीक, दो माइनस एक लिख दिया, इसमें कॉलम वाइज चलते रहेंगे, इसमें पंक्ति वाइज लिखते रहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या किया, ये दो एक, दो माइनस एक लिख दिया। अब है एक माइनस दो दूनी चार, एक माइनस चार। ठीक, ऐसे करना है। और अब है दो माइनस एक। ठीक, दो माइनस, अब मैं इसको कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, आप दो प्रकार कर सकते हैं, अगर इसको कॉलम वाइज चले और कॉलम वाइज लिखे ना तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको बाद में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं आपको इसका टी करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले ही ऐसे कर देना है कि ऐसे चलना है और पंक्ति वाइज लिखते रहना है। ठीक, लेकिन मैं नहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, इसको पहले ऐसे करना है। ठीक, ऐसे करते रहेंगे। अब दो माइनस एक, दो माइनस एक आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार ये हो गया, चार माइनस है, चार माइनस है, दो माइनस चार, दो माइनस चार। अब नीचे आ जाएगा तीन माइनस एक, तीन माइनस, इसी प्रकार ये कर लेंगे। ठीक, और ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर इसका कर देना है ए ट्रांसलेशन, ए परिवर्तित तभी करना है जब आप यहाँ भी कॉलम वाई करो और यहाँ भी कॉलम वाई लिखो, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ कॉलम वाई चलना है ना, इधर से कॉलम वाई चलना है, तो इसको लिखना है ए टी, पहले ही ऐसे पंक्ति वाई लिखना, चलना है कॉलम वाई और लिखना है पंक्ति वाई इसको। अगर आप इसको भी कॉलम वाई लेते हो, इसको भी, तो यहाँ आपको यह टी चेंज करना है। ठीक, तो आप ए इन सिंपली निकालोगे, 3/3 का, 3 × 3 का और 2 × 2 का, 2 का मैं बता दिया साइन चेंज और चेंज वाला सिस्टम, और इसमें ये तरीका। ठीक है, इस तरीके को आप इस वीडियो को वापस बैक करके दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए, ठीक है, और अपॉन ए का मान। ठीक, ऐसे निकालेंगे सिंपली तरीके से। अब बात करते हैं, ए इनवर्स हो गया, अब आयु के जो सेकंडज होते हैं उनके जो गुण होते हैं उन पर। ठीक, आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनडीए में तो इनमें से उठता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा देखना है, इनको समझना है, इनको याद भी कर लेना है, सिंपली ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम तरीका है, मतलब देखने का। एडजॉइंट ए है, ठीक, और फिर है उसके इनटू में ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, उनको इनटू करते हैं ना, तो ए को पहले कर लो और बाद में एडजॉइंट ए का इनटू कर लो, बराबर होते हैं आपस में, और वो बराबर होते हैं, ए का मान निकालो। ठीक, और उसमें आई एन मतलब कितने की है, 3×3 आएगा तो एन 3 आएगा, 2×2 है तो 2 आएगा। ठीक, आई एन का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा, ठीक, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है ए का मोड आई एन, एन का मान बताया आपको 2/2 या 3×3, तो 3 × 3 की में और 2/2 में। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए का सेकंडज आयु निकालेंगे, मतलब वो मैट्रिक्स आएगी कोई और उसका मान निकालेंगे, तो वो बराबर आएगा, पहले ए का ही मान निकाल लो और उसकी घात n-1 कर दो। इसका कहने का मतलब ये, मतलब 3×3 की है तो ए का मोड करो और स्क्वायर कर दो, इसका मतलब ये है, इस कहने का मतलब ये है, ए का जैसे 2 है ना, n=2 है तो ए कर दो इसमें और उसकी घात 1 कर दो, अगर 2 है 3/3 की है तो ए का स्क्वायर कर दो ऐसे। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है, ए का मोड, और यहाँ पर शर्त यह है कि ए का मोड मान है वो 0 के बराबर नहीं होना। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए, ए इंटू बी करना है, कोई मैट्रिक्स आएगा उसका एडजॉइंट करना है, तो बराबर हो जाएगा, पहले बी का एडजॉइंट कर लो इंटू बाद में एडजॉइंट ए कर लो। ठीक, ऐसे करें, बाद में बात करें, अगर ए का मोड, ए का मान, मैट्रिक्स का मान 0 आता है तो एडजॉइंट ए ए बराबर ए आई एन, यहाँ से वो ही, इसको ही दे रखा है, जैसे अपन का इसमें पहला बात किया ना, उस रूल को ही लिख रखा है, या ए 0 करोगे तो 0 जाएगा। ठीक, उसको ही लिख रखा है चौथे रूल में। अब बात करते हैं पांचवा, अगर एडजॉइंट निकालिया आपने ए का, अब उसका भी वापस एडजॉइंट निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए का मोड करना है और उसकी घात n-2 करनी है। ठीक, और करना है ए इन टू में मैट्रिक्स ए करना है, एन का मान बता दिया क्या होता है, 2 3,
अब होता है एड जॉइंट ए का परिवर्तित, क्या होगा, एड जॉइंट कर लो और बाद में परिवर्तित कर देना, इसका मतलब ये होता है। अब है एड जॉइंट का भी, एड जॉइंट का मोड करना है उसका, मतलब उसको ही रूल नंबर 5 को अलग तरीके से लिख दिया, और इसमें कौन सा रूल लग गया, मोड वाला, ठीक, ऊपर मोड वाला लग दिया दूसरा रूल, ठीक। इसको मिलाकर मिलाएंगे तो रूल नंबर 7 आएगा, ठीक, सिंपली देख लेंगे। और अब बात करते हैं आई, मतलब इकाई आई होता है, आई बराबर आई का स्क्वायर आई की घात 4, कितना भी हो वो आई की घात एन किसके बराबर होता है, आई के, ठीक, ये अपन को सिंपली याद करना है। अब एक कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे दे दिया ये कोई मैट्रिक्स है -2 2, ये दे दिया 3 और 4, अब उसमें पूछ लेता है घात 20 बताओ, तो ठीक उसको किस प्रकार करें, घात 20 वाला क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको सिंपली एक याद रखना है कि ए जो मैट्रिक्स होता है वो बराबर होता है, ये मान लिए ये मैट्रिक्स होता है, ठीक, ये चल रहा है, अब उसमें क्या सम होता था, ए स्क्वायर माइनस ट्रांस ऑफ ट्रांस इंटू सॉरी ट्रांस इंटू ए प्लस ए का मान लिखेंगे मोड और आई बराबर 0, ये जो संबंध दे रखा है नीचे आपको ये याद करना है, ठीक। इसको सिंपली देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करना है, ठीक। और जो ट्रांस का मतलब होता है, ट्रांस मतलब तो योग, टी आर मतलब होता है ए प्लस डी, ठीक, ए और डी का योग करना है, और जो ए का ये तो पता है आपको, ए डी माइनस बी सी, ठीक। अभी इससे कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ, जैसे कैसे सोल्व करना है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया अभी इधर, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा देन फाइंड ए की घात 10 ज्ञात करो, तो इसके लिए क्या करना है, ये मन बता दिए, ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा ना वो सिंपली हमेशा क्या होगा, एंड ये नेवियर फोर्स, बात करूँ IIT जीमेंस में वैसे यह नहीं होगा, ये 2 और -2 आपस में प्रीचिन्ह होंगे, जिससे ट्रांस क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और जो बड़े एग्जाम IIT एडवांस उनमें क्या होगा, ये नहीं मिलता, उसका भी है मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपके नहीं आएगा, उसको बहुत लंबा लेंथी तरीका बन जाता है, ठीक। तो अब हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ट्रांस ए प्लस ये, ठीक, ए स्क्वायर लगा देंगे ये 0 बन गया, 0 का इसमें जाएंगे, ट्रांस मतलब होता है 2 और -2, इनका योग आपस में, ठीक, 0 बन गया, ये सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 आई, और मैं बता चुका अभी आई की घात कितनी करो, 1 2 3 4 5, तो आई की घात यहाँ क्या आएंगी, 5 करेंगे अब ऊपर, तो आई की घात 5, तो आई की बराबर रहेगी, तो 16 की घात 5 कर देंगे, तो ए की घात 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो सिंपली ऐसे निकालेंगे, ठीक है, तो अपना ये चैप्टर मैट्रिक्स पूरा हो गया। अगर आपको इसके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस पर क्वेश्चन करने हैं ना, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, अगर आपको वहाँ पर नहीं मिले, सिंपली अभी मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊँ, करवा दूंगा, अगर आपको वहाँ पर नहीं मिले तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।